अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लाया हूँ और इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आपको बताया जाए कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान पर लोग किस तरीके से ट्रस्ट करते हैं, किस तरीके से इनके जो क्लाइंट्स होते हैं, इनके जो कस्टमर होते हैं, वो किस तरीके से इस पे एतमाद करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन पे, इस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान पर, और अपने इसी एतमाद को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं और बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैं एक आपके सामने एक मैंने रिसिप्ट जो है वो ओपन करके रखी हुई है, और ये बेसिकली ये एक पाकिस्तान गुजरात की एक पार्टी है, इन मोहम्मद मुनीर साहब इनका नाम है, और इन्होंने 2 नवंबर 2020, जी हाँ 2 नवंबर 2020 में एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है जिसकी अमाउंट जो है सालाना प्रीमियम जो है 1 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, ये साल के 1 करोड़ रुपए प्रीमियम की मद में अदा करेंगे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को, और इनको जो इसका रिटर्न मिलेगा आफ्टर 20 ईयर्स इंशाल्लाह 80 करोड़ से 1 अरब के करीब इनको इंशाल्लाह रिटर्न मिलेगा। ये जो मोहम्मद मुनीर साहब हैं, ये इन्होंने पॉलिसी ली है गुजरात स्टेट लाइफ बिल्डिंग जीटी रोड गुजरात से इन्होंने ये पॉलिसी ली है, और इसमें जो ये 20 साल में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका रिटर्न इनको मैच्योरिटी की मद में 80 करोड़ से 1 अरब के करीब इंशाल्लाह मिलेगा। तो दोस्तों स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पे इस तरह लोग जो है ट्रस्ट करते हैं, एतमाद करते हैं, और इसी ब्याह पे लोग इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और आने वाले वक्तों में इससे बहुत ज़्यादा फ़वाद उठाते हैं। इस पॉलिसी में अगर 3 साल इस पॉलिसी को हो जाएंगे और अगर इनको लोन चाहिए होगा तो ये 3 साल के बाद 3 करोड़ का 80% लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 करोड़ का 80% ये लोन ले सकते हैं, और दौरान पॉलिसी खुदा ना खासा डेथ हो जाए तो इस सूरत में इनको जो क्लेम मिलेगा वो तकरीबन 20 करोड़ से 40 करोड़ इनकी फैमिली को क्लेम भी दिया जाएगा। ओके, तो ये बहुत बड़ी इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पर ट्रस्ट करके, एतमाद करके। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग भी इस तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लें, इन्वेस्टमेंट करें, ताकि फ्यूचर में आप जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़वाद उठा सकें। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को लेने के जो मकासद होते हैं लोगों के, वो यही होते हैं कि हम अपनी बच्चों की अच्छी जगह पे शादी कर सकें, और उसके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम आराम से इजीली इसके थ्रू जो है पूरे कर सकें। अगर आप लोग अपने बच्चों को हाई एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते हैं फ्यूचर में, या फिर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के पास हर किस्म के प्लान मौजूद होते हैं, जिसमें छोटे प्लान भी मौजूद होते हैं, बड़े प्लान भी मौजूद होते हैं, बिजनेसमैन के लिए प्लान भी मौजूद होते हैं, जो लोग जॉब करते हैं उनकी इनकम के मुताबिक भी प्लान मौजूद होते हैं। तो जो भी जिसकी इनकम है उसके मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है पॉलिसी प्रोवाइड करती है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद देती है फ्यूचर में। लोन फैसिलिटी देती है, डेथ क्लेम देती है, नेचुरल डेथ क्लेम देती है, AIB के मद में, इंजरी के मद में क्लेम देती है, फैमिली पेंशन प्लान देती है। तो इस तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के पास काफ़ी सारे प्लान हैं। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 0313-261-8209। हमारे पास एंडोमेंट प्लान भी हैं, बेस्ट से बेस्ट प्लान भी हैं, जीवन साथी प्लान भी हैं, 3 पेमेंट प्लान भी हैं, और जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी सेविंग है, उसके मुताबिक हम आपको बेहतर से बेहतर प्लान बना के प्रोवाइड कर देंगे। तो इस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान पे आप बिल्कुल एतमाद कर सकते हैं, और आपके सामने मैंने ये रिसिप्ट दिखाई भी है, इसकी आप तस्दीक खुद से भी कर सकते हैं, और इसी बिहाफ पे जो है आप भी अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।